कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए किसानों को जोड़ने के लिए उनसे एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी मिट्टी ली गई। बेड़न में कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा बेड़न के चाचा नेहरू पार्क से निकाली गई। इस यात्रा में किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मिट्टी संग्रह करके इसे यात्रा के माध्यम से भोपाल भेजा गया। कार्यक्रम के संबंध में जिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली ग्रामीण के अध्यक्ष रूपेश चंद पांडे व शहर अध्यक्ष राम बाबू सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के मार्गदर्शन में तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनी सिंह के निर्देशन में ये यात्रा शुरू की गई है। हम किसान के बेटे हैं और किसान कांग्रेस ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दे रही हो, ना किसान ने ऐसा कहा है कभी। कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सेवा दल कांग्रेस के सम्मान में उतरा है और अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखे। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा 28 दिसंबर से आह्वान किया गया था, जिस दिन हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था, कि किसानों का जो आंदोलन पूरे देश में चरम सीमा पर चल रहा है, अभी तक में लगभग 150 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर हैं। वहीं हम देख रहे हैं केंद्र की ये जो निकम्मी सरकार है नरेंद्र मोदी की, किसानों से आज तक इसने बात करना उचित नहीं समझा कि हम किसानों से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने। इसलिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल और मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने निर्णय लिया है कि किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में पूरे देश के प्रत्येक जिलों से यात्रा निकालेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।